नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। खबरों को देखें विस्तार से। बांदा में आज एक युवक की सर कटा हुआ शव बरामद हुआ है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कुएं से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची तथा मौके पर जांच शुरू की। वहीं पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला नरेनी थाना क्षेत्र के करतल चौकी का है, जहां आज सुबह ग्रामीणों ने नहर की पटरी पर एक सर पड़ा हुआ देखा। वहीं नज़दीक के ही कुएं में एक युवक का बिना सर के धड़ भी देखा गया, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कुएं से सबको बाहर निकाला तथा सर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने युवक की शिनाख्त बबलू मिश्रा 36 वर्षीय के तौर पर की है, जो कि करतल निवासी किसी की बुलेरो गाड़ी चलाता था। बीती रात वो कस्बे में पहुंचा। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मृतक बबलू मिश्रा अतर्रा थाने का रहने वाला है। करतल निवासी मनोज की बुलेरो चलाता है। रात को वो आया था और खाना खाकर वहीं रुक गया था। रात में ही अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी। मृतक के माता पिता नहीं थे, ग्राम करतल में ही उसके मामा रहते हैं, जिनकी तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत कर लिया है तथा हत्यारोपी की तलाश की जा रही है। बांदा से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। आज कोतवाली नरेनी क्षेत्र के ग्राम करतल में एक कुएं में जो है सिर कटी हुई लाश यहाँ से बरामद हुई है। उसका धड़ जो है कुएं में था और जो है उसका सर जो है काटा हुआ वो बगल में एक नहर जाती है उसके पटरी पर मिला है। इसकी शिनाख्त कर ली गई है। इसका मृतक का नाम बबलू पुत्र राजा है। ये 13 थाना तरक रहने वाला है। यहाँ पर एक मनोज उर्फ चुन्नू द्वेदी के यहाँ इसकी बोलेरो गाड़ी चलाता था ये, और जैसी जानकारी एक प्रथम दृष्टया जो प्राप्त हुई है, कल रात में ये वहाँ उनके घर पर खाना वाना भी खाया है। उसके बाद जो है किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो है इसका मर्डर किया है और इस संबंध में आवश्यक छानबीन की जा रही है। और इसके माता पिता नहीं हैं, इसके जो मामा हैं वो भी यहीं पर बिलरका में रहते थे। उनके द्वारा जो है तहरीर दी गई, उनकी तहरीर पर इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है तथा घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनको प्रकाश में ला करके इसमें कार्रवाई की जाएगी।